अगर आपके पास भी हैं ऐसे कई जीन्स जिन्हें आप फेंकना नहीं चाहती, जिन्हें आप किसी को डोनेट नहीं करना चाहती, आपके लिए वो बहुत ही स्पेशल हैं, या उनके साथ आपकी कोई मेमोरी जुड़ी है, या फिर अभी वो इस कंडीशन में है जिसमें आप चाहते हैं कि यस आप उन्हें कुछ और दिन तक पहन सकते हैं, तो बट आप उनको सेम वे में पहन पहन के बोर हो चुके हैं, तो आई थिंक ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं अपने पुराने जीन्स को। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो हॉट पैंट बनाने के लिए मैंने जो पैंट सिलेक्ट किया है वो एक स्ट्रेचेबल पैंट है, क्योंकि स्ट्रेचेबल पैंट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। और इसके बाद मैं मार्किंग करूँगी जितनी भी मेरी डिज़ायरेबल लेंथ है। मैं 14 इंच का पैंट चाहती हूँ और इसमें मैं 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ फाइनल लुक के लिए। इसके बाद हम दोनों साइड इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हम स्केल एंड मिल्टन चौक की हेल्प से जो हमारी फाइनल लेंथ है उस पर मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद हम पैंट को दोनों साइड अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और इक्वली फोल्ड करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने इसको जो रॉन्ग साइड फोल्ड करके इस पर 1 इंच की जो है वो मार्किंग दी है और स्केल से इस पर एक निशान लगा लिया है। आप इसी तरह की दोनों साइड जो है मार्किंग कर लीजिए अपने पैंट पर। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है मैंने इसमें दोनों साइड जो है वो मार्किंग कर ली है। अब हम इसको फिर से जो है राइट साइड पर पलट लेंगे और पलटने के बाद हमने जो इस पर मार्किंग की है 1 इंच की उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसी को सेम रिपीट करके इसको एक और फोल्ड दे देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें दोनों फोल्ड दे दी हैं और इसके बाद हम इस पर स्टिचिंग करेंगे जो कि हम सीम लाइन से मिलाते हुए इसमें स्टिचिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक साइड पर जो है स्टिचिंग कर ली है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से आप लोग स्टिचिंग करेंगे सीम लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए अगर आप स्टिचिंग करेंगे तो ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसके बाद अब मैं इस साइड भी आप लोगों को जो है वो स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ। तो मैंने इस साइड भी जो है वो स्टिचिंग कर ली है और इसके बाद ये कुछ इस तरह का लुक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। दोनों साइड स्टिचिंग के साथ साथ मैंने इसमें एक मिडिल टक दिया है जो कि बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी ज़रूर दीजिएगा। और साइड सीम देख लिए कंप्लीट हो गई है। इस तरह से एक टिनी टक जो है आप सिक्योरिंग के लिए दोनों साइड जो है वो ज़रूर दें। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें दोनों साइड जो है मैंने बहुत ही टिनी सा टक दिया है और ये पैंट जो है हमारा बन के हो चुका है तैयार। तो इसी के साथ मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।